बार 230 में से कितनी? हम हवाबाज भाजपा की तरह हवाबाजी नहीं करते कि अब की बार 200 पार 150 पार हम जीतेंगे 230 में से। ये मुद्दे तो बड़े स्पष्ट है साहब, किसान बेहद परेशान है मेरे प्रदेश का। सबसे ज्यादा भारत में यदि आत्महत्या किसानों ने की, उसका नाम है मध्य प्रदेश। भाजपा के जो छत्रप है नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर कैलाशी वर्गी प्रहलाद पटेल, इनसे निपटने के लिए क्या कुछ रणनीति है कांग्रेस की? इनसे निपटने की जरूरत क्या, जनता ही इनको निपटाएगी। नमस्कार, मैं हूँ शकील खान और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता सज्जन सिंह वर्मा जी। बताएं भैया, आज कांग्रेस ने आखिरकार नवरात्र के पहले दिन यानी शुभ दिन पहली सूची जारी कर दी, जिसका कि सभी को इंतजार था। आपका नाम उस सूची में है, क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग सनातन धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं भाजपाई, उन्होंने कड़े दिनों में सूची जारी की। कांग्रेस ने पहला दिन है माता अम्बे माँ जगदम्बे की आराधना का, घट स्थापना का, हमने उस पवित्र दिन अपनी सूची जारी की है। अब सनातन धर्म को मानते हैं तो उसकी पद्धति पे भी चलना पड़ता है, और मैं समझता हूँ कि भारी जीत की एक लहर मध्य प्रदेश में समय चल रही है कि कांग्रेस को जिताना है, उन भ्रष्टाचारी आत्माओं को इस मध्य प्रदेश से मुक्त कराना है जो भ्रष्टाचार के पैसे से लोकतंत्र की हत्या करते हैं, विधायकों को खरीदते फरोखते हैं। इस बार इतनी बम्पर मेजोरिटी जो सूची आई है, उसको देने के लिए जनता तैयार बैठी है। मैं समझता हूँ कि बहुत दमदारी से कांग्रेस सरकार में। भैया, शेष जो नाम है, क्या उस पर चिंतन मंथन चल रहा है? आखिर कब तक दूसरी सूची आएगी? चिंतन मनन हो गया है, दो चार नाम ऐसे रह जाते हैं जहाँ थोड़ा सा डिस्प्यूट ज़्यादा होता है। तो मैं समझता हूँ कि 16 कल का है, परसों 17 को हमारी बचे हुए नामों की सूची डिक्लेयर हो जाएगी। लगभग चिंतन हो गया है और बहुत अच्छी जो हमारी सूची आ रही, बहुत ही वजनदार और मंजे हुए नेताओं को हम टिकट दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं को। आपने कहा मंजे हुए कार्यकर्ता नेताओं को टिकट दिया जा रहा है, इस बार 230 में से कितनी? हम हवाबाज भाजपा की तरह हवाबाजी नहीं करते कि अब की बार 200 पार 150 पार हम जीतेंगे। 230 में से 150 के ऊपर हमारी सीटें आ रही हैं, जनता हमारे साथ। भैया, सोनकच जो है बेहद ही हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है देवास जिले की, चूंकि आप खुद भी वहां से लड़ रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती है पूर्व विधायक और भाजपा ग्रामीण के इंदौर के नेता को यहां से भाजपा ने मौका दिया राजेश सोनकर आपके सामने? देखिए, चुनौती तो हर चुनाव होता है, चाहे छोटा चुनाव हो, गाँव के तालाब के नहर का चुनाव हो, वो भी चुनौतीपूर्ण होता है, और जनता के विकास के लिए विधानसभा या लोकसभा को सब चुनौती तो मान के लड़ना ही चाहिए। लेकिन मैं आशान्वित हूँ कि सोनकच की जनता से मेरा डायरेक्ट संपर्क बरसों का है, एक गहरा रिश्ता मेरा है, मुझ पे विश्वास हमेशा हमेशा सोनकच की जनता ने व्यक्त किया, और इस बार सोनकच की जनता भी चाहती है कि सज्जन भैया के रूप में एक स्थापित नेता कैबिनेट में आए, कमलनाथ जी की कैबिनेट में, और ऐसी सरकार बने जो इन 5 सालों में विकास की नई परिभाषा ले सके। सोनकच के अलावा मध्य प्रदेश भर में किन मुद्दों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? देखिए, मुद्दे तो बड़े स्पष्ट है साहब, किसान बेहद परेशान है मेरे प्रदेश का। सबसे ज्यादा भारत में यदि आत्महत्या किसानों ने की, उसका नाम है मध्य प्रदेश। उसके हाथ इतने मजबूर कर दिए हैं, इतने कमजोर कर दिए हैं भाजपा ने। शिवराज चौहान ने हमेशा झूठे नारे दिए कि शिवराज की सरकार बनाओ तुम्हारी फसल का दुगना मूल्य देंगे, शिवराज की भाजपा की सरकार बनाओ हम कृषि को उद्योग का दर्जा देंगे। आज सोयाबीन का मूल्य 3,032 रुपये बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, 5,000 के ऊपर उसको मूल्य मिलना चाहिए। उसका पढ़ा लिखा नौजवान बेटा वो बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई का दावा नल पूरे मध्य प्रदेश को निकल रहा है। आप देखिए कितनी ज़बरदस्त महंगाई है, डीजल पेट्रोल देख लीजिए, वेट टैक्स जन कौन कौन से टैक्स लगा दिए शिवराज ने, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। इस मध्य प्रदेश, ये दलित और आदिवासियों का प्रदेश है, यहाँ दलित आदिवासी बच्चों के साथ गैंग रेप हो रहा है, भाजपा के नेता उनके मुंह पे पेशाब कर रहे हैं, आदिवासी के हत्याएं रोज हो रही हैं। ये बड़े मुद्दे हैं जिससे बीजेपी खुद आत्मग्लानी से भरी हुई है। भैया, भाजपा के जो छत्रप है नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर कैलाशी वर्गी प्रहलाद पटेल,
इनसे निपटने के लिए क्या कुछ रणनीति है कांग्रेस की? इनसे निपटने की जरूरत क्या, जनता इनको निपटाएगी? ये वो सांसद हैं, इन्हीं के क्षेत्र में से एक विधानसभा चुनकर दी, आठ विधानसभा होती है एक दी, ये पूरे 5 साल में एक या दो बार उन विधानसभाओं में गए, तो जनता तो तैयारी बैठी है कि अब हाथ जाइए फिर बताएंगे। ये एक भी जीतने वाला नहीं इनमें से, एक भी, एक एक दो दो बार बड़ी मुश्किल से 5 साल में गए ये लोग, तो जनता तैयार बैठी है बदला, कोई चुनौती नहीं है। सोनकच को लेकर क्या कहेंगे? सोनकच कांग्रेस जीतेगी, सज्जन भाई जीतेंगे, सज्जन भाई फिर एक बार सज्जन भैया के रूप में उभरे, क्या मंत्री बनेंगे? अब देखिए तो क्या बनते हैं, जो बनते हैं जनता का आशीर्वाद इतना जबरदस्त है कि निश्चित रूप से इन हाथों को इतनी ताकत मिलेगी इस चुनाव के बाद, इन हाथों से मजबूती से विकास की नई इबारत। शुरुआत में आपने कहा हम पक्के सनातनी, आज सूची जारी की। हमने ये नहीं कहा, सनातन धर्म को मानने वाले बड़े बड़े डींगे हाँकते हैं और कड़वे दिनों में उन्होंने सूची जारी करी है, ग्लानी से भरे हुए हैं, अपने मंथन कर लिया, चिंतन कर लिया। ये तो हमारा सौभाग्य कि हमारी सूची जब तैयार हुई उस दिन से पवित्र दिन माता जी के आरंभ हुए, तो हमने तो परंपरा का निर्वहन किया, सनातन धर्म की परंपरा का निर्वहन। तो देखा और सुना आपने, ये थे मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री और सोनकच से उम्मीदवार बनाए गए सज्जन सिंह वर्मा, जिन्होंने ये कहा है कि हमने सनातनी परंपरा का निर्वहन किया है और शारदीय नवरात्र के पहले दिन अपनी सूची जारी की है। उत्साह से लबरेज है सज्जन सिंह वर्मा और उनका ये कहना है कि इस बार फिर जनता उन्हें चुनकर विधानसभा भेजेगी। शकील खान, MP तक, देवास और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए MP तक के साथ।